नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय के नजदीक सोठिया गांव में उस समय अधिकारी सन्न रह गए जब गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे दीवार को फांदते नजर आए। एसडीएम लोकेंद्र सिंह इसी गांव में आयोजित होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने बच्चों से जानकारी लेकर पाया कि 10:45 तक स्कूल के 16 शिक्षकों में से एक भी शिक्षक समय पर नहीं आया। एसडीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले में कार्रवाई करने को कहा। अधिकारी के जाने के बाद स्कूल की शिक्षिका ऑटो से पहुंची, पूछने पर बैठक में शामिल होने की बात कही। मैम रोई लेट आती हैं आप? नहीं, हम खुश हैं। एसडीएल का काम चल रहा है। कहाँ पे गई थी मैम? क्या नाम मैम आपका? मीना। मीना प्रिंसिपल है यहाँ पे? नहीं, आप कौन है मैम? मैम 11 बज रहा है। सोफिया में हायर सेकेंडरी स्कूल कंस्ट्रक्शन के, इसमें देखा कि अभी तक कुल बच्चों के द्वारा बताया गया कुल 16 टीचर, 15 प्लस एक प्रिंसिपल, और क्या बोलते हैं, हम लोगों ने स्कूल में अभी लगभग 10:45 का समय हो गया है। अभी तक क्या बोलते हैं, कोई भी टीचर ना प्रिंसिपल कोई भी उपस्थित नहीं है, और हम इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। सर कब तक कार्रवाई क्या की जाएगी इनके ऊपर? कार्रवाई नियमानुसार जो भी होगी देखते हैं इनको, और पहले आज इनको बुलाएंगे समक्ष में प्रिंसिपल को, और देखते हैं उनका क्या जवाब है। सर स्कूल चलो कोई अभियान भी चल रहा है आज, आपको किसी कार्यक्रम में जाना है? आज राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस है, उसके तहत एक शेर पड़ा स्कूल में। अब चेक भी करना है स्कूल, यानी बहुत से स्कूलों को चेक करने के लिए हम लोगों ने टीम बनाई हुई, उनको बोलेंगे। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी विद्रोही की रिपोर्ट।